स्वागत है। मैं राजकुमार यदुवंशी आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए वाकई बहुत ही फायदेमंद होंगी। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे तीन पदों वाले भिन्नों का योगफल। ये क्लास आपने बहुत समय पहले देख लिया होगा, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ी सी चूक थी जिसकी वजह से हमने उस वीडियो को हाइड कर दिया और आज ये नई क्लास आपके सामने है। देखिए, भिन्न जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। अगर कहीं आपको ऐसे भिन्न मिलती हैं एक बटा दो में एक बटा दो जोड़ते हैं तो इसे आप सभी लोग जानते हैं इसका उत्तर एक होता है। कैसे होता है ये एक बटा दो का मतलब बाबू? ये होता है हाफ। हाफ मतलब आधा। अगर आप आधा में आधा जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा ना। कैसे? अगर इसको हम लगाए भी तरीके से तो ये होगा हर हर बराबर है तो नीचे लिख लेते हैं, अंश अंश को जोड़ लेते हैं, एक में एक को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा दुई बटा दुई और दुई से दुई कट जाएगा, ये हो जाएगा एक। समझ गए ना? इसे सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो तो कैसे करते हैं? इसको भी सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिए, सब लोग को मालूम होगा। अगर दो बटा तीन और धन एक बटा सात ऐसे दिया है तो ये थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। कैसे? देखिए, इसमें आप क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको एलसीएम वाला मेथड बताएंगे क्योंकि यहां पर एलसीएम वाला मेथड ही लगेगा, क्रॉस मल्टीपल में दिक्कत हो जाएगी। तो बाबू इसमें ऐसे करते हैं, एलसीएम लेंगे सात और तीन का। आप ये एलसीएम जानते हैं करना, वेरी सिंपल। इसका एलसीएम कैसे आएगा? ये है ना, तो एलसीएम कितना आएगा? सात गुणा तीन बराबर इक्कीस आएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो कमेंट करिएगा। तो करते क्या है, पहले एलसीएम निकाल के नीचे लिख देते हैं, लिख दिया ना। उसके बाद क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है यानी कि लासा, उसमें पहली भिन्न के हर से भाग करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो पहली भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये है। पहली भिन्न का हर कौन है? ये तीन हर है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है। जो ऊपर है वो अंश है, मैंने उल्टा बोला क्या? इसमें जो ऊपर है ये क्या है? अंश है। और जो नीचे है ये क्या है? हर है। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश, इसे इंग्लिश में न्यूमरेटर, इसे डेनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। एलसीएम हो गया, हमने हर अंश आपको बता दिया। अब क्या करते हैं, अंश को छोड़ के हर से भाग करते हैं एलसीएम में। तो चलो भाई कर देते हैं, हर से मतलब तीन से, तो तीन सते इक्कीस, कितना आया? ये कट गया ना, मतलब कितना आया? सात। जो सात आया उसे क्या करेंगे, दो में गुणा कर देंगे, तो सात दूना चौदह। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? उसी तरह से इसमें भी कर लेंगे, सात से भाग करेंगे तीन आएगा, तीन का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा और ये आपका सत्रह बटा इक्कीस उत्तर हो जाएगा। इसे सभी लोग जानते होंगे, आप लोग काफी लोग परेशान हो रहे होंगे तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लें, जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो तीन पद वाले भिन्न है उसे कैसे करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को ये भी नहीं आता दो पद वाला, इसलिए हमने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया एक मिनट में, तो आप लोग बिल्कुल हैरान ना हो। गणित सिखाने की हम आपको पूरे 100% गारंटी लेते हैं। आप लोग कमेंट करें, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्लास ज्वाइन करें, आपको गणित आएगी, ये हमारी 100% गारंटी होगी। इसका जो राइट आंसर होगा हमारे समझ से अभी ये बी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन क्या होगा देखते हैं। पहले हम एलसीएम निकालेंगे दो सात और तीन का, इसका एलसीएम होगा 42, लेकिन आप लोग कहेंगे कैसे आ गया 42, तो हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए इसकी ट्रिक होती है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, दो सात और तीन का एलसीएम निकालेंगे, आप लोगों ने सीखा होगा ये, इसको ऐसे किया जाता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बोलिएगा, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना नहीं बता रहे, इसलिए हम आपको एलसीएम नहीं बता रहे। ठीक है ना, क्लियर। तो दो तिहाई छह, छह सते 42 है ना, कितना आया 42 एलसीएम आ गया, 42 जिसे बोलते हैं हिंदी में, है ना। अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो बताइएगा। देखिए एलसीएम हो गया 42, अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप में, याद रखिएगा बातों को, वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो थोड़ा पीछे कर करके फिर से देखिएगा। देखिए एलसीएम हो गया ना, एलसीएम लिख लो भाई, कितना आया था 42। अब इस 42 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ तीन भिन्न है, ये पहली भिन्न है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ठीक है, तो पहली भिन्न के हर से आप लोग आंसर जान गए हैं, अब नहीं बताएंगे कौन अंश कौन हर है। पहली भिन्न के हर से एलसीएम में भाग करेंगे, जब दो से हम भाग करेंगे तो दो एक कम दो, ना 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 गलत है गलत है गलत है, दो बार जाएगा, दो दूना चार, जीरो आया ना घटाने पे, दो उतार लो भाई, दुई कम दुई कट गया ना, कितना आया 21। जो 21 आया उससे क्या करेंगे, उस 21 से इसी भिन्न के अंश में गुणा करेंगे, तो
21 का 3 में गुणा कर लो, सभी लोग ऐसे बना के बगल में, गलत ना हो, 3 × 3 3 × 6 63 आ गया, ये 63 लिख दिया। अब यही प्रक्रिया सभी के लिए होगी जो पहले भिन्न में हुआ, अब हम नहीं बताने वाले आपको, वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर देख लें। इसी तरह जब आप 7 से भाग करेंगे 42 में तो 7 × 42 6 आएगा, और 6 का जब आप 5 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, है ना। फिर जब आप 3 से भाग करेंगे 42 में तो क्या आएगा, 14 आएगा, भाग करके देख लीजिएगा। और जब 14 का 1 में गुणा करेंगे तो 14 × 14 हो जाएगा। जोड़ लो बाबू इसको, 4 में जोड़ा 0 तो 0, ये 3 जोड़ा तो हो गया 7, और 3 में 1 जोड़ा 4 6, ये 10/42। कुछ लोगों को ये हवा हवाई लग रहा होगा कि भाई कैसे लिख दे रहा, बड़ा गड़बड़ है ये, तो उन लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसे तो जोड़ना है ना, इसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो ना, ये 3 में 0 जोड़ा 3 और 4 ये जोड़ दिया 7, 6 × 3 = 9 = 10, ये तो किया था ना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही आसान है, देखिए ये भी 3 पद वाली भिन्न है लेकिन थोड़ी सी हटके है ये, वो कैसे, इसमें सभी भिन्न के हर बराबर है, अगर हर बराबर हो गए ना तो बिल्कुल मानिए गाजर का हलवा है एकदम, कुछ भी नहीं करना भाई, कोई मेहनत नहीं करना, बस केवल निकल जाना है बस। कैसे, देखिए जो भी हर दिया गया है, दो 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 है ना सब में, इसे एक बड़ी सी लाइन खींच के दो लिख देंगे चुपके से, बाकी कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, सभी को जोड़ लो सीधे, ना किसी को गुणा करना ना किसी को करना भाग, ठीक ना, समझ रहे ना, तो बस जोड़ लो सभी को फटाफट, ये ओहो गड़बड़ हो गया ना, एक एक सब में जोड़ लो भाई, 1 × 1 × 1 = 3/2, कैसे 1 × 1 = 2 = 3 हो गया, बस खत्म। क्यों, क्योंकि नीचे का सभी पार्ट बराबर था ना, सब में दो दो था, अगर अलग अलग होता तब ज्यादा बुझाते, नहीं तो नहीं बुझाते ज्यादा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान दीजिएगा, ये भी 3 पदों की भिन्नों का योगफल ही है, इसको कैसे करते हैं, ये भी सिंपल में वैसे ही होता बाबू जैसे वो होता है, क्या करते हैं एलसीएम ले लो पहले भाई, 7, 5 और 7 का एलसीएम, लाफा जिसे बोलते हैं, तो ये लाफा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 35। सभी लोग लाफा ले जाइएगा अपने से कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा लाफा तो बताइएगा फिर हम आपको बताएंगे, ये ऐसे हो जाता ना सर, है ना, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो बताइएगा, 35 हो गया लाफा। अब क्या करेंगे, लासा में भाग कर तो भाई 7 से, जब 7 से आप 35 में भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, 5 आएगा ना, और उस 5 का इस 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 15, फिर प्लस, फिर वही प्रक्रिया, 5 से भाग कर दो एलसीएम में, 5 से 35 में भाग करेंगे तो 5 × 7 = 35, 7 आएगा, 7 का 2 में गुणा किया जाएगा तो 14 हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया, 7 से भाग करो 35 में, 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा किया जाएगा तो 5 हो जाएगा। जोड़ना है, ये मैंने पहले से लिख रखा है, ये 14 में 5 प्लस 5, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, जुड़ जाएगा ये हो जाएगा 34, नीचे है 35, छोटे भाई और बड़े भाई ऊपर नीचे हो गए, आपका आ गया उत्तर, ये हो गया सी वाला ऑप्शन। अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बोल सकते हैं, इस वीडियो को पीछे करके फिर से देखें, बार बार देखें, हजार बार देखें भाई, ये देखने की ही चीज है, ठीक है ना, देखते रहें चाहे जितनी बार देखें, समझ रहे ना। तो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें, और हाँ एक बात ध्यान दें, वीडियो को डाउनलोड ना करें कतई, केवल ऑनलाइन देखें, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो निसंकोच आप हमें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। और ये जो मैं इधर लिख रहा हूँ गाथा, ये क्यों लिख रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करें जिससे आपको सभी क्लास डेली मिल सके, और फेसबुक पर लाइक कर दें जिससे मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी होती रहे, है ना, अच्छी बात। और हाँ इतना ही नहीं, और भी बहुत सी अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों में दो बातें ये है कि आप PBR स्टडी के और सभी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ऑल टाइम क्लास मिलती रहे। PBR स्टडी ग्रुप एक चैनल है, इस PBR स्टडी के अलावा उसको सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको और भी क्लासें मिलती रहें। इसके अलावा अपने मैथ को आसान और स्ट्रांग बनाने के लिए मैथ आसान है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता क्या होता है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपके लिए 24/7 उपलब्ध रहेगी और अभी भी है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, हम
फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। बहुत से लोग हमारा नाम पूछते हैं, तो मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, इस क्लास को शेयर करके जाइएगा और अगली क्लास का इंतजार करिएगा। हम जरूर आएंगे आपके लिए अगली क्लास लेकर के, ठीक है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नहीं या पार नहीं होती। मैथ आसान है, बस इतना आज आपको बसा लेना है अपने दिमाग में।